I've been in touch with the family of Arun Jaitley as well. He spoke on the phone to his wife and son. Currently, he is in the UAE as part of a two-day visit, tri-nation visit really. And he'll be going to Bahrain as well, I think a little later today after his formal engagements are concluded here in Abu Dhabi. And then there is the G7 meet to attend as well, where he's a special invitee. The French president has invited him to be part of the proceedings there. जितने भी खाड़ी के देश हैं या अरब देश हैं, लगातार पहली पारी से ही प्रधानमंत्री का फोकस उन देशों के साथ आपसी संबंध सुधारने का रहा है और इन देशों की उन्होंने लगातार यात्रा भी की है और आज की परिस्थिति में जब हम देख रहे हैं कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में is the juncture that we are seeing unfolding before our eyes at the moment, live from Abu Dhabi, as you can see on the corner of the screen, the top right corner. These are live images that are coming in from, I believe, the palace in Abu Dhabi. से जहाँ की प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और बहुत ही अहम बातों पे इस वक्त चर्चा हो रही है और हम जानते हैं कि जिस तरह से टेली मेडिसिन की बात करने या फिर स्पेस की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में यूएई हमारा बहुत ही उनके साथ हमारा अच्छा संबंध रहा है और हम जानते हैं कि आज ही वहाँ पे रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया है यूएई में। और हम आपको ये बता दें कि यूएई को मिलाकर ये तीसरा देश होगा जहाँ की भारत के रुपे कार्ड को वहाँ पे जारी किया गया है और भारत का जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और बाकी जो यूएई का जो वहाँ का जो पेमेंट बैंक है, उन दोनों के बीच ये एक समझौता हुआ है जिसमें कि ये कहा गया है कि भारत के रुपे कार्ड को वहाँ पे टेक्निकली वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए ताकि वहाँ जो भारी मात्रा में काफ़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं उन्हें ट्रांजेक्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो रुपे और भारतीय रुपे में वो अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, एनर्जी के लिहाज से हम जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि तीसरा एक महत्वपूर्ण ट्रेड
पार्टनर जो है यूएई भारत का रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्यामा मिश्रा वहाँ से जुड़ गई हैं अबू धाबी से। श्यामा, ये जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? तस्वीरें देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री और जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो अभी बायलैटरल टॉक्स करके ही बाहर बस यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो मजलिस जो सेरेमनी जहाँ होना है ऑर्डर ऑफ जायद की प्रेजेंटेशन और साथ ही कमेमोरेटिव स्टैम्प का रिलीज, वो यहाँ मजलिस में हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर आते ही जो यहाँ का एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका रीजनल जो जलपान का जैसा एक तरीका होता है, तो कावा पिलाया जा रहा है लोगों को। और साथ ही जो प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के बीच में जो बातचीत है वो लगातार हो रहा है। कुछ ही समय में यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा ऑर्डर ऑफ जायद का, और हमारे प्रधानमंत्री को जो हम हमेशा बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जायद जो है वो उन्हें उससे नवाजा जाएगा। पहले भारतीय हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी देर में शुरू होगा और प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। साथ ही एक गांधी जी के क्योंकि 150वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, उसके ऊपर में एक कमेमोरेटिव स्टैम्प को रिलीज किया जाएगा। दोनों की तरफ से क्राउन प्रिंस भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। तो एक पूरी तरह से जो हेक्टिक शेड्यूल है, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ट्रिप भले ही छोटा हो लेकिन एक एक्शन पैक्ड ट्रिप है और काफी बहुत सारे मायनों में ये अहम है, इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री ने लगभग सारे पहलुओं को यहाँ पर कवर कर ही लिया था कर लिया है। क्योंकि हम पहले भी देख रहे हैं, इसके पहले जस्ट पहले रुपे कार्ड का लॉन्च यहाँ पर हुआ था अबू धाबी के एक होटल में, एमिरेट्स पैलेस होटल में, और वहां पर हमने देखा कि करीबन 21 जो भारतीय नामचीन कंपनी है वो यहाँ पर शामिल थे। और इन्होंने जो उनमें से कई सारे लोगों से हमने बात की, जो कंपनी के ओनर से उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो आईटी सेटअप है वो तैयार हो चुकी है, फाइनेंशियल सेटअप है वो रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो सिर्फ ये आज लॉन्च नहीं था बल्कि आज से ये शुरुआत हो चुकी है। ये इसका फायदा भी हमें आने वाले महीनों में यहाँ पर काफी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही क्योंकि हम जब बात करते हैं कि रुपए हमें कैसे फायदा, शर्मा, आई थिंक वी कैन सी इन द पिक्चर्स हियर दैट द प्रोसीडिंग्स आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ज़ायद। आई बिलीव that is being carried towards and there it is, that's the order of Zayed that's being presented to the Prime Minister. This is a moment, a memorable moment in the history of not just the relations between the UAE and India, but you know how India is perceived across the globe. Sharma, just tell us the significance of the presentation of this highest civilian honor for the Prime Minister of India. Yes, we are witnessing that historic moment, and here we can see that the Crown Prince Sheikh Mohammed bin Abdullah Sheikh Mohammed, he is giving our Prime Minister that pride, we can say. And this pride is not just for Prime Minister Narendra Modi himself, but this is a proud moment for all of the Indians living everywhere, not just UAE, not just India, but everywhere. Because this, when we are talking about this particular award, this is the highest civilian decoration of UAE, and not just that, but less than 20 leaders all over the world, they have been lucky enough to receive this award. And our Prime Minister Narendra Modi, he is the first Indian leader to receive this award. And after this, we can say that our Prime Minister has another because we are seeing a lot of prizes, a lot of awards, lot of accolades that are being given to our Prime Minister for efforts in various directions. But when we are talking about Order of Zayed, this is for the particular direction, because our Prime Minister has taken efforts to revise and strengthen the relationship between India. Yes, it's a fairly ornate, fairly ornate award that has been given at the Sheikh, the Order of Zayed. It's as one can see, it's like a garland shaped medallion at the center, in the shape of a sunflower almost. It has Zayed written on it at the center, and it's named after the founding father of the UAE. And the fact that it is being presented to Prime Minister Modi in the birth centenary year of Sheikh Zayed, the founding father of the UAE, has another special significance to this entire event. Yes, definitely. We are talking about tolerance in India as well. And here also,
we are witnessing the year of tolerance because yes, it is the we are celebrating the founding father of UAE, the birth centenary celebrations, and this is the reason it also becomes more important for India. This is the year of tolerance, and we, our Prime Minister receiving this award in this particular year, it makes it more special. Also, we are also witnessing Prime Minister's interview to various other newspapers here. बिल्कुल और श्यामा बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हम जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से कुछ ही देशों के जो राजनेता हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है और उनमें से एक भारत का भी नाम आज जुड़ गया जिसमें कि वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देशों के राजनेताओं को ये मिला है। बहुत ही ये सम्मान की बात है। और प्रफुल्ल जी लगातार ये तो एक दौरा है और ये एक अचीवमेंट है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है अगर उस पर हम नज़र डालें, भारत और यूएई के संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं और हम जानते हैं कि इस मजबूती में जो वहाँ काफ़ी तादाद में जो भारत वंश के जो लोग रह रहे हैं उनका भी अहम योगदान है। कैसे देखते हैं इसको? ये दौरा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये दौर है, भारत की जो प्रगति है, उन्नति है, जो भारत का औहदा बढ़ता जा रहा है, उसकी एक बांदगी है मेरे ख्याल से। देखिए, इसमें एक बात जो गौर करने की है, जो दो दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, वो मुझे लगता है एक हमें उस पर सोचना चाहिए कि जिस तरह के एंगेजमेंट और जिस तरह का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर रिलेशनशिप अभी इन सारे जिनको OIC मेंबर्स कहा जाता था और पाकिस्तान उनको ग्रांटेड पकड़ता था, उनके साथ भारत का पिछले 5-6 सालों में हुआ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो लोग जब ट्रेड और टेरर के बीच में चुनना हो तो ट्रेड को चुनते हैं, तो ट्रेड को चुना है और उसके कारण, और केवल उतना नहीं है, देखिए हम कल्चरली सिविलाइजेशनली वेरी नैरो पर्सपेक्टिव टू से दैट यू नो that these countries are going with India and they're not supporting us, Pakistan, it's a case of sour grapes to them because they say it's because India is, an economic power and people are just pursuing their economic interests. But it's far beyond that. It's not just about economics. ये तो पाकिस्तान का perspective है, लेकिन पाकिस्तान को भी ये accept करना पड़ रहा है, ये बात ये दिखाता है। लेकिन क्योंकि कुछ समय पहले ये ऐसा माना जाता था कि पाकिस्तान इन सारी कंट्रीज को ग्रांटेड पकड़ता था कि जम्मू कश्मीर विषय पर वो तो हमारे साथ ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन रिलीजन नहीं है, उसके आगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आज सारे विश्व की राजनीति जो है उसके डायनामिक्स है, और भारत उसको बहुत अच्छी तरह से समझता है। भारत ने कल्चरली, सिविलाइजेशनली, ट्रेड इशूज़ पर, मैरिटाइम इशूज़ पर, एनर्जी इशूज़ पर, जिस